नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोल रखा था कि जो भी क्वालिफाई एनएम के लीडर हैं वो आप लोगों से बात करना चाहते हैं लाइव जुड़ कर, किसके रिगार्डिंग कि क्या है क्या नहीं, सारे सच्चाई आपके समक्ष आपको जुड़वाते हैं। दिल्ली से हमारे बीच जुड़ने वाले हैं, ठीक है। सभी लोग आप लाइव देखिए, हम बात करवाते हैं आपको, ठीक है। जो भी चीज़ है सब चीज़ वही आपके मुँह से बोलेंगे क्या है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के स्थान से वो अभी आपके पास जुड़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग चलिए, लेकर चलते हैं आपको दिल्ली डायरेक्ट। नमस्कार। देखिए, आप लोग जानते हैं कि हाँ, हम बोले थे कल कि आज मीटिंग होने वाली है, तो आज नहीं कल ही मीटिंग थी, तो हम लोग को सब बातों से पता चला, ठीक है। एडवोकेट साहब से बात हुई कि देखिए, हम लोग केस में जब थे तो पूर्ण रूप से थे, और आपको बता देते हैं कि जो भी था ट्रांसपेरेंसी हम लोग रखे हुए थे, पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ चल रहे थे। लेकिन कुछ लोगों को हजम नहीं हुआ। कुछ लोग कौन है? जो दलाल, जिनके मन में पाप था पैसा को लेकर के, केस से कोई मतलब नहीं है, बस केस को उन लोगों को लंबा करना है, लंबा लेकर के जाना है। उन लोगों को चाहिए पैसा, सिर्फ पैसा के लिए उन लोगों ने इतना गंदा हरकतें किया, और जैसा साजिश नहीं करना चाहिए वैसा साजिश किया। आप लोगों से कुछ छिपा नहीं है, थोड़ा साजिश किया। लो हमको, पिंटू सर को, प्रेम भैया को, सब किसी को केस से बाहर करने की कोशिश किया गया, ताकि उन लोगों का कोई हिसाब ना रखे, कोई खोजे नहीं, और उन लोगों को पैसा लूटने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। हम लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ चल रहे थे। तो आप लोग को एक बात बता दे रहे हैं, बहुत सीक्रेटली बात है, कि अभी प्रेजेंट में जो लोग केस में था और बहुत सारा लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से फंडिंग फंडिंग करा रहा है लोग, आप लोग जानते हैं वो कौन है? वो वही लोग है जो एग्जाम टाइम पे बोलता है कि हम आपका सेटिंग करवा देंगे, जिसको हम लोग सेटर बोलते हैं। वो उस लेवल का दलाल सब है। तो सोचिए कि उस टाइम तो जिसका पैसा ठगी किया सो किया ही, वहाँ दलाली किया सो किया ही, अब उसके बाद मतलब अभी कुछ नहीं आ रहा है, तो क्वालिफाई जो लोग क्वालिफाई किया है इन लोगों के साथ दलाली करना चालू कर दिया। जब बातें हुई थी कि सब कोई एक साथ मिल करके केस लड़ेगा, एक साथ हो करके क्वालिफाई लड़ेगा, तो फिर पिंटू को बाहर करने की मांग कहाँ से आई? मोनू को बाहर करने की मांग कहाँ से आई? क्यों बाहर किया गया? क्यों वहाँ से अलग किया गया? हमारी पिटिशनर थी अंजलि, उसको क्यों हम लोगों से भड़काया गया? कहने का मतलब है, कर्ता धर्ता हम लोग दो लड़के थे, सबको कॉल के माध्यम से हो या फिर एडवोकेट हो चाहे जो भी हो, सबको हैंडल दो ही आदमी करता था, ठीक है। तो एक बात बताइए हमको कि हम लोग मतलब कि बाहर का हैंडल करें कि बस एक पिटिशनर से दिन रात बात करते रहें, उसका कंफ्यूजन को हम दूर करते रहें, ऐसा तो नहीं ना हो सकता है? हम लोग भी इंसान है, हम लोग केस लड़ रहे थे, मन में थोड़ा सा भी नहीं था कि हाँ ये साथ आई है तो कहीं हम लोग को धोखा देगी भागेगी, लेकिन धोखा तो दे दी अंजलि, धोखा दी। और आज देखिए किस जगह पे लाके क्वालिफाई सबको खड़ा की हुई है, सिर्फ पैसा लूटने का बात आ रहा है, बोल रही है। जब कहने का मतलब है कि एक SLP हो गया, एक SLP पे हम सब कुछ कर सकते हैं, बिहार गवर्नमेंट ऑलरेडी हमारे सपोर्ट में आ चुकी है, हमको फिर 50 SLP करने की क्या ज़रूरत थी? अभी क्या ज़रूरत भी है? अभी कुछ दिन पहले हम लोगों को बहुत सारा कॉल आया कि हाँ भैया पिटिशनर के लिए बोल रहा है लोग, पिटिशनर बनिए, पिटिशनर बनिए, पैसा दीजिए, इतना पैसा मांग रहा है लोग, क्या करें हम लोग, पिटिशनर बने नहीं बने, ऐसा तो कुछ नहीं है। सोचिए कि कोर्ट कचहरी के मैटर में नेटवर्क मार्केटिंग वाला दिमाग लगा दिया है। हाँ, रहा बात कि हम लोगों को IA में कुछ लोगों का नाम जोड़ना था, तो उसमें हम लोग 10 आदमी को सोचे थे रखने के लिए, ताकि हमारा केस जो था अंजलि का वो एनी टाइम लीडिंग केस रहे, चूंकि SLP दो हुआ था, ठीक है, 2 या 3 हुआ था। उसके बाद हम लोग एक मतलब कि रास्ता चुने ताकि हमारा केस एनी टाइम लीडिंग रहे। लेकिन यहाँ पे दलाल लोग क्या किया? दलाल लोग तो दलाली पे उतर गया सीधे कि नहीं सबको SLPA में जाना, आपको जाना होगा SLPA में जाना होगा, पैसा दीजिए, पैसा दीजिए, SLPA कराइए, जिसका SLP होगा उसका होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। एक और बात सोचने वाली बात है, क्या बिहार गवर्नमेंट से, बिहार गवर्नमेंट है उससे तगड़ा हम लोग हैं? बिहार गवर्नमेंट से ज़्यादा पैसा हम लोग खर्चा कर सकते हैं? उससे अच्छा एडवोकेट हायर हम लोग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर कोई सोच रहा है तो ये आपका वहम है, और ये जो वहम आ रहा है किसी मतलब कि कोई पर्सन आपके मन में डाला है तब आ रहा है,
आप लोग इस सब बातों से बचिए, इसमें आना ही नहीं है, ठीक है। रहा बात, कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि हाईकोर्ट में बिहार सरकार का एडवोकेट था, क्या हुआ, ठीक है, मानते हैं आपका बात कि हाँ बिहार सरकार का एडवोकेट था, हम लोग के सार गए, भैया आपका भी तो एडवोकेट था, क्वालिफाई का भी तो एडवोकेट था, क्या हुआ, वहाँ भी के सारे ना। तो रही बात वहाँ पे जो संविदा वाला था, वहाँ पे गेम किया था पैसा रुपया के मैटर में, जो कुछ भी था किया था, क्वालिफाई की तरफ से जो लड़ रहा था वो भी गेम किया था, दोनों जन गेम किया था लोग, उसके बाद वो कंडीशन पैदा हुआ, हम लोग को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। रही बात संविदा वाले जो बने हैं, आप लोग भी बता दें कि आप लोग जो आँख मूंद के जिस पे विश्वास किए जा रहे हैं, पैसा फेंके जा रहे हैं सुरजीत को, समझ लीजिए वो भी काट ही रहा है, पूरा शुरू से काट रहा है, 2 रुपया खर्चा 50 रुपया हिसाब बताता है ना, वो भी काट ही रहा है आप लोगों को। और जो आँख मूंद करके आप लोग पैसा दे रहे हैं तो सोचिए कि कुछ नहीं होने वाला है, उसका कल्याण होगा, आप लोग का तो नहीं होगा, आप लोग का पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन उसका कल्याण जरूर हो जाएगा, क्योंकि पैसा तो उसके पास आ रहा है, पैसा कमा रहा है, ठीक है। रहा फिर भी मान लीजिए वो पैसा खा भी रहा है, तो संविदा के लिए केस जितवाया चाहे जो कुछ भी किया, हमारे जो क्वालिफाई के लीडर हैं सबके सब तो दलाल ही निकले, सबके सब तो मार्केटिंग वाले ही निकले, इसमें आप लोग क्या कहिएगा। जो एडवोकेट है उसके लिए लोग बोल रहा है कि 20 लाख 30 लाख 10 लाख 12 लाख 8 लाख कितना कितना लाख लाख बोल करके कितना पैसा फंडिंग कराया। अंजलि जो है ये बोलती थी कि बार बार इतना पैसा लग रहा है उतना पैसा लग रहा है, जब तक कि पता चला कि हाँ मात्र 2 लाख रुपया ही वहाँ पर जमा हो पाया है। शुक्ला साहब से कल ही तो मीटिंग थी हम लोगों की, मात्र 2 लाख रुपया ही जमा हो पाया है, बाकी पैसा दे दिया आप क्या की, खेत लिखवाने में लगाएं, घर बनवाने में लगाएं, आके आपके साथ जो बेवड़ा था वो सबको दारू पिलाने में लगाएं। क्वालिफाई का पैसा है, ऐसा मिसयूज नहीं करना चाहिए। और रही बात पैसा की, पैसा की कोई बात नहीं है, सब किसी की जॉब की और लाइफ की सवाल है, ऐसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसमें आपकी भी लाइफ है। अब पता ना आपका तो बन गया होगा पैसा लूट करके, ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक और ग्रुप है जो कि वो बोलते हैं ना स्वीट पॉइजन, अलग से कांड करवा करके, हाँ भैया हम कुछ नहीं किए, हम नहीं किए, मेरे द्वारा नहीं हुआ, सबसे ज़्यादा पैसा हाई कोर्ट में लूटा लो, सुप्रीम कोर्ट में भी लूट रहा है लो, बता रहा है इतना लगा उतना लगा, जबकि लगा कुछ नहीं है। उन लोग भी अपने एडवोकेट से पैकेज में ही बात किया है, और जबकि जहाँ तक कि हमको पता चला है फंडिंग में 30-40 लाख रुपया फंडिंग हुआ। बताइए स्टार्टिंग में हम और पिंटू सर थे तो हम लोग टारगेट रखे थे मात्र 20 लाख में केस को क्लियर करने के लिए, कि हाँ हम लोग 20 लाख में, यानी मतलब कि फर्स्ट ईयरिंग में एडवोकेट को जो रखना है उसमें सीनियर को रखेंगे ताकि हमारा केस रजिस्टर्ड हो सके, और लास्ट ईयरिंग में 2-3 जो भी होगा उसमें रखेंगे, या फिर एडवोकेट को पैकेज में ही रख लेंगे। ट्रांसपेरेंसी रख रहे थे हम लोग, स्टेटमेंट के साथ चल रहे थे, बैंक स्टेटमेंट के साथ। लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, 30-40 लाख जो भी फंडिंग कराना है लोग करा लिया, कोई हिसाब नहीं, कोई बात किसी के सामने नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, ठीक है, यही सब बात है। बाकी आप लोग सतर्क रहिए, अभी से अभी भी टाइम है, संभल जाइए, किसी के बहकाव में नहीं आना है, कोई डराए डराए धमकाने में नहीं आना है। अब यहाँ पे मेन रोल, अहम रोल बिहार गवर्नमेंट की हो गई है, हम लोग की कुछ नहीं है, जो रोल है बिहार गवर्नमेंट की है। अगर बिहार गवर्नमेंट चाहे तब हम लोग की नैया पार होगी, नहीं चाहे तो नहीं होगी, और बिहार गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोग की नैया पार होगी, ठीक है। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए, ध्यान दीजिए इन सब बातों पे, दलालों से बचिए। बाकी जो भी है अपडेट हम लोग YouTube के माध्यम से देंगे, पिंटू सर के चैनल से जो भी होगा हम लोग देंगे, ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर। आपने सुन लिया सारी बातें, सारी चीज़ें क्लियर हो गया। अब आप नहीं समझेंगे तो अब आपको कोई कितना भी लेक्चर दे, कितना भी समझाए, आपको कोई नहीं समझा सकता। सारी चीज़ें आपने समझ लीजिए कि सुन लिया ANM के लीडर से कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, कौन कौन क्या किया, सब आपके समक्ष। अब आपको कंक्लूजन निकालना है, अगर इस केस में बने रहना है, केस में जीतना है, तो जो बातें ANM के लीडर ने बोला उसको फॉलो करना है, और बाकी जैसा चीज़ें हैं अपडेट हम देते रहेंगे। बाकी मैंने जो जो तथ्य बताया सारे तथ्य वहाँ तक पहुँच गया है। बाकी बिहार सरकार के जो एडवोकेट हैं, डबल AG जिसको बोलते हैं, वो सुनवाई करते हैं, वो भी आपके साथ हैं। बाकी ठीक है, सारा चीज़ A to Z आपके समक्ष है। सुप्रीम कोर्ट कभी भी पास वाले को फेल करार नहीं देता है, जो भी एडवोकेट साहब लोगों ने बोला है।
बस जो भी आपको बने रहना है, बाकी जैसा सुनवाई होता है फिर आपको हम अपडेट देंगे बारी बारी से। बाकी अब आपको दृढ़ निश्चय कर लेना है भाई, इस नौकरी को पाना है तो आपको ही सतर्क रहना पड़ेगा। गुमराह करने वाले, माइंड वॉश करने वाले बहुत लोग मिलेगा। आपने इस वीडियो को देख लिया होगा, अगर ANM के लीडर ने जो बातें बताया आप जरूर उस पर सोचिएगा और डिसीजन लीजिएगा। ओके, टेक केयर बाबा।